गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन एंड सेफ एट योर होम. स्टूडेंट्स, वेलकम इन आवर वीडियो. टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर चैप्टर नंबर 6, दैट इज फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. स्टूडेंट्स, यस्टरडे इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड डिफरेंट categories of animals that are herbivores, carnivores animals and then omnivores animals. We also discussed different feeding habits of animals, and today we will continue our chapter 6, and today we will discuss our topic, that is care of animals, and that topic care of animals is on the page number 45 in your science book. So page number 45 in your science book, and topic is care of animals. Let's start. Animals living in wild can take care of themselves. Animals living in wild, जो जंगली जानवर होते हैं, जंगल में रहने वाले animals होते हैं, वो अपनी care खुद कर लेते हैं. Okay, but जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स मीन्स घरेलू एनिमल्स जो घर में रहते हैं, जिन्हें हम घर पर पालते हैं अपने डेली नीड के लिए, जस्ट लाइक एग्जांपल काऊ, बफेलो, कैमल, हॉर्स, हेंस, ओके, डॉग, गोट, शिप, डेट ऑल आर डोमेस्टिक एनिमल्स. डोमेस्टिक एनिमल्स डेट लिव विद अस नीड आर हेल्प एंड केयर. इन एनिमल्स को हमारी हेल्प की और हमारी केयर की ज़रूरत होती है. एनिमल्स विच गिव अस मिल्क नीड टू बी फेड विद ग्रेन्स, फूडर एंड लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर. जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, जस्ट एग्जाम्पल इज काउ एंड बफेलोस, गोट, जो एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं उनको, उन एनिमल्स को अच्छा फूड देना चाहिए, जैसे ग्रेन्स. ग्रेन्स मीन्स अनाज. फूडर, फूडर मीन्स चारा, जो ग्रीन ग्रास होता है, ओके, डैट इज़ फूडर, चारा जिसे बोलते हैं. एंड लोट्स ऑफ क्लीन वाटर, और बहुत सारा साफ पानी, क्लीन वाटर पीने के लिए उनको देना चाहिए. ओके, उनकी केयर करनी चाहिए. वो हमें मिल्क देते हैं तो उनको अच्छा चारा, अच्छा अनाज, उनका खाना भी अच्छा होना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, जस्ट इन दिस पिक्चर दीज आर ईटिंग ग्रीन ग्रास एंड दिस इज फूडर, सूखा चारा. ओके, सो दीज एनिमल्स नीड फूडर एंड ग्रेन्स एंड लॉट्स ऑफ क्लीन वाटर. ओके, दीज आर पोल्ट्री बर्ड्स एंड जस्ट एग्जाम्पल इज हैन. पोल्ट्री बर्ड्स, हैन, हैन को हम पोल्ट्री बर्ड्स बोलते हैं. एंड दिस हैन एंड डक शुड बी फेड विद ग्रेन्स एंड वाटर. पोल्ट्री बर्ड्स, हैन और डक को ग्रेन्स, अनाज देना चाहिए. ओके, और इनको वाटर भी देना चाहिए. इनकी केयर हम कैसे करते हैं? इनको खाने के लिए अनाज और साफ पानी देकर, क्लीन वाटर देकर. ओके, द शेल्टर ऑफ ऑल दिस एनिमल्स शुड बी क्लीन, ड्राई एंड एरी. शेल्टर ऑफ एनिमल्स मीन्स इनके रहने की जगह. इनके रहने की जगह साफ होनी चाहिए, सूखी, ड्राई होनी चाहिए, और एरी मीन्स हवादार होनी चाहिए, सो दैट इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके. पैट एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर. पैट एनिमल्स, पालतू जानवर जो हम घर में रखते हैं, उनको अच्छी सी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत होती है, प्रॉपर प्रोटेक्शन की, फ्रॉम कोल्ड एंड हॉट वेदर. वेदर मीन्स मौसम, ठंडा मौसम या गर्म मौसम, उससे भी हमें एनिमल्स की प्रोटेक्शन करनी चाहिए. सिक एनिमल्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम हेल्दी वंस एंड गेट ट्रीटेड. इट्स अ सिक एनिमल, इट्स अ हेल्दी एनिमल. तो सिक एनिमल्स और हेल्दी एनिमल्स को सेपरेट रखना चाहिए, एक दूसरे से अलग रखना चाहिए. और अगर हमें लगता है कि हमारे एनिमल सिक हैं तो उनको इमीडिएटली वेटरिनरी डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए.
The animals should be taken to a veterinary doctor immediately. Immediately मतलब एकदम से. And veterinary doctor means वो doctor जो animals के doctor होते हैं, that are known as veterinary doctor. ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आपको लगे कि आपका जो पेट एनिमल है उसको कोई प्रॉब्लम है, वो सिक है, तो उसको इमीडिएटली वेटरिनरी डॉक्टर के पास कर जाना चाहिए. वी कैन कीप द डोमेस्टिक एनिमल्स हैप्पी एंड डिसीजेस फ्री बाय गिविंग देम केयर और लव. हम अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को हैप्पी और डिसीजेस फ्री, डिसीजेस मीन्स बीमारी, सो दैट उन्हें कोई बीमारी ना हो, ओके, डिसीजेस फ्री रख सकते हैं उन्हें थोड़ी सी केयर और लव प्यार देकर. तो हमें अपने डोमेस्टिक एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, उन्हें प्यार करना चाहिए, सो दैट वो हैप्पी रहे और हेल्दी रहे. ओके स्टूडेंट्स, विद दिस आवर टॉपिक केयर ऑफ एनिमल्स इज कंप्लीट. एंड विद दिस टॉपिक स्टूडेंट्स आवर चैप्टर नंबर 6 इज ऑल्सो कंप्लीट. आई होप all of you have understood it. So students, you have to read this chapter very carefully from your book. Okay, thank you, have a nice day.